नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में, जो है नीम के पत्ते खाने से डिलीवरी नहीं होती। तो आइए इस टॉपिक पर हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या ये सच है या एक मिथक है, सोसाइटी में ऐसे ही फैलाया गया है या फिर इसका पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुछ नीम के पत्तों के फ़ायदे जान लेते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फिर भी कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं कि नीम के पत्ते आप खाएंगे अगर, या नीम का पेड़ अगर आपके घर में है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका उपयोग काफ़ी समय से होता रहा है भारतवर्ष में, तो कम से कम। और नीम के पत्ते बैक्टीरियाज वायरस को मारने में मददगार साबित होते हैं, काफ़ी डिसइंफेक्टेड होते हैं। अगर आप इसका स्प्रे भी कर देंगे घर में, तो कहते हैं जो वायरस बैक्टीरियाज होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नीम के पत्ते आपके ब्लड को साफ करने में मदद करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है, नीम के पत्ता उसको साफ़ करने में मदद करता है अगर वो ब्लड में है तो। और अगर एक्ने हो गया है, पिंपल्स हो गया है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि ये जो बीमारियाँ होती है ज़्यादातर ब्लड की गंदगी की वजह से ही होती हैं। नीम के पत्ते और नीम का तेल जो है त्वचा के रोगों को दूर करने में मदद करता है। फिर नीम के साबुन आता है, नीम का ऑयल बालों में इस्तेमाल होता है। किसी को अगर बालों से रिलेटेड दिक्कत है, स्कैल्प में इन्फेक्शन हो गया है, जुएं हो गई हैं इन्फेक्ट कई बार, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट नीम का जो छिड़काव होता है पौधों में भी किया जाता है कीड़े वगैरह को मारने के लिए। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है नीम के पत्ते का इस्तेमाल करना। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान नीम के उपाय क्या होते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय कुछ चीज़ें खाने से लेकर के लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये खाना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। तो वही सेम चीज़ नीम के पत्तों को लेकर के भी है। कोई भी मेजर साइंटिफिक स्टडी अभी तक नहीं हुई है जो बता सके कि नीम के पत्ते खाने से डिलीवरी नहीं होती है या फिर मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं समाज में, ऐसे फैली गई बातें हैं जो नीम के पत्ते प्रेगनेंसी के दौरान ना खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नीम के पत्ते जो होते हैं वो ठंडे प्रकृति के होते हैं, जो कुछ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। हालांकि मे बी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम रही हो, उसके साथ ये सूट नहीं किए हों, लेकिन ये जनरल एक स्टेटमेंट बन गई है सोसाइटी में। तो कुछ ट्रेडिशनल बिलीव्स ये मानते हैं इस तरह से। अगर आप प्रेग्नेंट है या आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि नीम के पत्ते खाना चाहती है या खाती हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से एक बार सलाह लें, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी की मेडिसिन अलग अलग होती हैं। क्या पता कोई ऐसी मेडिसिन वो ले रहे हों जो कि जिसके साथ नीम के पत्ते सूट ना करें। तो इसलिए हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी का केस अलग अलग होता है। तो नीम का सीधा असर आपके डिलीवरी पर पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, आइए इस पर कुछ बात करते हैं। नीम के पत्ते का कोई भी सीधा असर डिलीवरी पर नहीं होता है। हाँ, किसी भी चीज़ का अतिशय यानी ज़्यादा सेवन करना हमेशा नुकसानदेह होता है। नीम के पत्ते मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलाइज करने में मदद करते हैं, जो कुछ लोगों को लगता है कि डिलीवरी को रोक सकते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि नीम के पत्ते नहीं खाने चाहिए। और अगर मेडिकल एडवाइस की बात करें तो नीम के पत्ते खाने से डिलीवरी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक आप डॉक्टर की सलाह से सब कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर की सलाह आपको लेनी ज़रूरी है। कुछ भी आप एडिशनल चीज़ ऐड कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। अपनी तरफ से अपना कोई भी स्टार्ट नहीं करना आपको कोई भी चीज़ लेना। नीम के पत्ते अपने कई गुणों के साथ आते हैं, उनके कई ज़्यादा गुण होते हैं, इसलिए उनका सही और संतुलित सेवन करना चाहिए। नीम के पत्तों खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये है कि किस कंडीशन में आप खा रहे हैं वो है। तो नीम के पत्ते खाने से मिसकैरेज नहीं होता है, नीम के पत्ते खाने से डिलीवरी नहीं होती है, ये सिर्फ एक मिथक है। प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन करके चलें, और डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। नीम के पत्ते अपने लाइफ में कई ज़्यादा गुण लेकर के आते हैं, इसलिए उनका सही और संतुलित सेवन करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको अपने मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है कि क्या हम लोग अगर नीम के पत्ते खाते हैं तो इसका डिलीवरी पे कोई असर पड़ता है या नहीं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।